नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखेंगे डोज कैलकुलेशन, दवाओं की डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेडिसिन की वो ब्रांच जिसमें हम डोज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पोसोलॉजी, तो पोसोलॉजी हमें बताना है। पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद डोजेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की डोज के बारे में जो डीलिंग होती है वो जिस ब्रांच में होती है उसको पोसोलॉजी बोलते हैं। पोसोलॉजी, अब ये जो मेडिसिन है इसकी डोज क्योंकि फिक्स नहीं है, ये पेशेंट जो होता है उसकी एज के हिसाब से वेरी करता है, उसके वेट के हिसाब से, सरफेस एरिया बॉडी का जो है उसके हिसाब से वेरी करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जनरली किसी मेडिसिन के लिए जो पेशेंट की एज क्या है, डिजीज की सीवियरिटी क्या है, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, उसका वेट क्या है, जनरल कंडीशन क्या है पेशेंट की, उस पर डिपेंड करता है कि एज डोज कितनी हो मेडिसिन की। मेडिसिन की जो सामान्य डोज होती है वो 20 साल से 60 साल तक के लिए जनरली एडल्ट डोज मानी जाती है। 20 वर्ष के पेशेंट से लेकर के 60 साल तक का पेशेंट है तो एडल्ट डोज मानी जाती है, लेकिन अगर 60 साल से ज्यादा है या 20 साल से कम है तो वो डोज कंपैरेटिवली कम होती है। तो कितना कम करें, कैसे डिसाइड करें, वही डोज कैलकुलेशन हम लोग आज सीखेंगे। जो डोज कैलकुलेशन बताया गया है, हाँ एक बात और ध्यान रहे कि आयुर्वेद में जो है ये डोज कैलकुलेशन के कुछ और फैक्टर एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे प्रकृति, विकृति, सार, संघनन, ये बहुत सारी और फैक्टर्स जुड़ते हैं, लेकिन जो हम आज चर्चा करेंगे वो केवल जनरली एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से करेंगे। इन जनरल किसी भी मेडिसिन पे अप्लाई किया जा सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए कुछ और भी पैरामीटर्स और भी रूल्स हैं जिसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मेडिसिन होती है उसकी डोज को हम लोग प्रपोर्शन ऑफ एज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्रपोर्शन ऑफ वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर प्रपोर्शन ऑफ सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके तीन बेसिस होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। एज के बेसिस पे कई सारे रूल्स हैं, ये रूल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकली भी कई बार यूज किए जाते हैं। तो जैसे यंग्स रूल, डिलिंग्स रूल, फ्रिज रूल, कॉलिंग रूल, बेस्टोड्स रूल, इतने रूल्स हैं जो एज के प्रोपोर्शन में होते हैं। वेट के लिए क्लार्क्स रूल है जो वेट के बेसिस पे प्रोपोर्शन में डोज कैलकुलेट करने का मेथड है, और सरफेस एरिया के लिए डायरेक्ट एक मेथड है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर यंग रूल देखें तो यंग रूल में डोज निकालने के लिए जो डोज होगी वो होगी एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। एक एग्जांपल से इसको समझ लें, अगर कोई 6 साल का मान लिया बच्चा है उसको देना है डोज, और किसी मेडिसिन की जो एडल्ट डोज है अगर वो 100 mg है और तो उस बेबी के लिए डोज कितना हो जाएगा, एज ईयर में 6 ईयर है और यहां 6 + 12 18 हो जाएगा इंटू 100। ठीक, समझ में आ रहा है, ये 18 कहां से आया, 6 + 12 यहां से आया, तो ये हो जाएगा 6/18 इंटू 100 13, और ये अप्रोक्स 33.3 mg डोज हो जाएगी। तो यंग फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं किसी बच्चे की एज एडल्ट डोज का कितना गुना होगा या कितने पार्ट हो। ये था यंग्स रूल। दूसरा हम लोग देखेंगे डिलिंग्स रूल। डिलिंग्स रूल से अगर ये डोज कैलकुलेट करनी है तो डिलिंग रूल में जो डोज होगी वो एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। ईयर में एज लिखेंगे उसमें 20 से डिवाइड करेंगे और एडल्ट डोज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम लोग डीलिंग फॉर्मूला से डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई
माने 10 साल का बच्चा है तो 10/20 1/2 हो जाएगा, एडल्ट डोज का हाफ हो जाएगा जो 10 साल के बच्चे के लिए डोज होगी। तो ये था डोज कैलकुलेशन का दूसरा मेथड, डिलिंग्स फॉर्मूला। अब आएगा फ्रीड्स फॉर्मूला। फ्रीड्स फॉर्मूला में एक बहुत खास बात हमें ध्यान रखनी है कि ये 2 साल तक के बच्चों के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, इन्फेंट्स के लिए 2 साल तक के बच्चों के लिए फ्रीड्स फॉर्मूला यूज किया जाता है। और इसमें जो डोज होगी वो है एज इन मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक 2 फॉर्मूले देखे थे, यंग्स एंड डेलिंग्स, उसमें ईयर में एज थी, लेकिन इसमें मंथ में एज है। एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, तो कितने महीने के बच्चे, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे के लिए है तो मैक्सिमम यहां पे वैल्यू 24 आ सकती है, 2 साल में 24 महीने होते हैं तो 24 मैक्सिमम यहां पे आएगा। तो जितने महीने का बच्चा है वो, अगर 8 महीने का बच्चा है तो 8/150 इंटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज जितना भी है, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये है फ्रीड्स रूल। इसके बाद हम लोग कॉलिंग रूल देखेंगे। कॉलिंग रूल, इसमें जो डोज है वो एज इन ईयर प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज, मतलब जितने साल का बच्चा है उसमें 1 ऐड करेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे, एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी उसकी डोज। अगर 5 साल का बच्चा है तो 5 + 1/24, 6/24 मतलब 1/4 ऑफ एडल्ट डोज हो जाएगा। ये डोज हो जाएगा किसके, कॉलिंग रूल के अकॉर्डिंग। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बेस्ट डोज रूल। बेस्ट डोज रूल में ये जो डोज होगा वो एज इन ईयर प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज, ये हो जाएगा बेस्ट डोज रूल। बेस्ट डोज रूल में जो डोज होगी वो कितने साल का बेबी है प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज हो जाएगा। अगर 2 साल का बेबी है तो 2+3/30, 5/30, 1/6 ऑफ एडल्ट डोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बेस्ट डोज रूल। तो बेस्ट डोज रूल से भी हमने देखा कि चाइल्ड की डोज कैसे निकाल सकते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूले थे, ये अकॉर्डिंग टू एज, एज के प्रोपोर्शन में ये सारे फॉर्मूले थे। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एज के अकॉर्डिंग कौन सा है और वेट के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो अगला है वेट के अकॉर्डिंग क्लार्क्स रूल। जो क्लार्क्स रूल है, इस रूल में जो डोज होगा वो वेट के अकॉर्डिंग है, तो वेट लेंगे, वेट पौंड में लेंगे, एलबी, एलबी पौंड को बोलते हैं, वेट इन पौंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, वेट इन पौंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लार्क्स रूल कहते हैं इसको। तो जितने पौंड का बच्चा है, अगर 50 पौंड का बच्चा है तो 50/150 इंटू एडल्ट डोज, 1/3 ऑफ एडल्ट डोज हो जाएगा उस चाइल्ड के लिए डोज। तो ये हम लोगों ने देख लिया वेट के अकॉर्डिंग। सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत सीधा सीधा इसकी डोजिंग होती है। सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सरफेस एरिया ऑफ बेबी जो या जो चाइल्ड है उसके बॉडी का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, किसी एडल्ट का जो सरफेस है इनटू एडल्ट डोज। तो बच्चे का जो सरफेस एरिया है उसमें डिवाइड करना है एडल्ट का सरफेस एरिया और एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देना है, ये होता है डोज अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। अच्छा, इसी को कुछ लोग फार्मूले को इस तरह लिखते हैं कि डोज सरफेस एरिया, सपोज एस से लिख रहे हैं, सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर में किसी बच्चे का कितना सरफेस एरिया है और डिवाइडेड बाय 1.73 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो एडल्ट के बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो 1.73 स्क्वायर मीटर होता है, तो ऐसे भी इसको लिख दिया जाता है। दोनों एक ही बात है, एडल्ट डोज में मतलब चाइल्ड की डोज कितनी होगी, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.73 इनटू एडल्ट डोज, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, बच्चे का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, बच्चे का सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, log s equals 0.425 log w plus 0.725 log h plus 1.8564। यहां पे जो s है ये सरफेस एरिया है, w वेट इन kg है, किलोग्राम में वेट है, और h हाइट इन मीटर है, मीटर में हाइट है। ये अगर रख लेंगे, हाइट और वेट अगर पता है, तो इस फार्मूले से आप सरफेस एरिया निकालेंगे और इस सरफेस एरिया के वैल्यू यहां रख के आप चाइल्ड की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डोज कैलकुलेशन था मेडिसिन का, और खास तौर से एलोपैथिक मेडिसिन में यूज होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो डोज कैलकुलेशन है बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत अलग तरीके से बताई गई है, उसको जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन में डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एडल्ट्स के लिए आपने ये सारे रूल देख लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।